Good morning everyone. Today we are going to study English. So last class we learned about vowels and consonants. So here is your chapter 2, vowels and consonants. We already write the vowels and consonants from A to Z, that is which letter is in the alphabet are vowels and which letter in the alphabets are consonants. So आज हम लोग वॉवेल्स पढ़ेंगे. वॉवेल्स को हम लोग 5 टेंस जैसे लिखते हैं वैसे लिखेंगे. हमारा वॉवेल्स कौन कौन सा था? तो ए, ई, आई, ओ एंड यू. 5 लेटर्स हमारा वॉवेल्स था एंड 21 लेटर्स था कॉन्सोनेंट. सो सबसे पहले चलिए यहाँ पे ये हमारी कॉपी कॉपी में हम क्या करेंगे, सबसे ऊपर वॉवेल्स डालेंगे हेडिंग और उसको क्या करेंगे अंडरलाइन करेंगे विद द हेल्प ऑफ स्केल एंड साइन मार्जिन डालेंगे. उसके बाद कॉपी को 5 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे. 1, 2, 3, 4 एंड 5. 5 पार्ट्स में डिवाइड करने के बाद हम लिखना स्टार्ट करेंगे. हम सबसे पहले हमारा सबसे फर्स्ट नंबर जो वॉवेल्स है वो कौन सा है? ए. तो हम यहाँ लिखेंगे ए. कैपिटल लेटर्स नहीं, स्मॉल लेटर्स ए लिखेंगे. ए. देन सेकेंड नंबर क्या है हमारा? ई. थर्ड नंबर क्या है हमारा? आई. फोर्थ क्या है? ओ. एंड फिफ्थ नंबर इज यू. ये हमने ऐसे लिख लिया. उसके बाद हम क्या करेंगे, पूरी कॉपी में इसी चीज को रिपीट करेंगे. यहाँ इस लाइन में वापस से हम यहाँ ए लिखेंगे, फिर यहाँ हम ई के नीचे ई लिखेंगे, फिर यहाँ आई के नीचे आई लिखेंगे, ओ के नीचे ओ लिखेंगे एंड यू के नीचे यू लिखेंगे. और इसी तरह आप पूरे अपनी कॉपी में इस चीज को लिख लीजिएगा. तो ये हमारा वॉवेल्स खत्म हो गया. अब हम इसी फिर कॉन्सोनेंट लिखेंगे. कॉन्सोनेंट को क्या लिखना है, हम लोग को पूरा ए टू जेड अल्फाबेट नहीं लिखना है, सिर्फ उसमें से कॉन्सोनेंट जो 21 कॉन्सोनेंट है सिर्फ 21 कॉन्सोनेंट छाट के लिखेंगे. मैं आपको बताती हूँ कैसे लिखेंगे, फिर आप वैसे ही अपनी कॉपी में लिखिएगा. सो हम नेक्स्ट पेज में हमारा कॉन्सोनेंट्स लिखेंगे. सबसे ऊपर क्या डालेंगे हम? सबसे ऊपर हेडिंग डालेंगे. तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले कॉन्सोनेंट डालेंगे. कॉन्सोनेंट डालने के बाद हम क्या करेंगे, नीचे उसके लाइनिंग डालेंगे. उसके बाद हम क्या करेंगे, कॉपी को हमारी कॉपी को हम 4 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे. देखिए 1, 2, 3 एंड 4 और ये हमारा साइन मार्जिन हो जाएगा. ये हम पहले सबसे पहले यही करेंगे. उसके बाद हम कॉन्सोनेंट्स लिखना स्टार्ट करेंगे. सबसे पहले कौन सा कॉन्सोनेंट लिखेंगे? तो बी. हम लिखेंगे यहाँ बी. देन क्या होगा हमारा? सी. फिर हमारा डी. ई नहीं लिखेंगे. क्यों नहीं लिखेंगे? बिकॉज ई इज अ वॉवेल. देन एफ, जी, एच. आई नहीं लिखेंगे, आई भी हमारा वॉवेल है. जे, के, एल, एम, एन. ओ नहीं लिखेंगे बिकॉज ओ हमारा वॉवेल. पी, क्यू, आर, एस, टी. यू नहीं लिखेंगे हम. वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई एंड जेड. इतना हमारा, ये हमारा क्या है, ये हमारा हो जाएगा कॉन्सोनेंट्स. तो हम फर्स्ट पेज में क्या करेंगे, सबसे फर्स्ट पेज में हमने चैप्टर 2 में क्या किया, वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट ए टू जेड लिखा और उसमें वॉवेल्स को अंडरलाइन कर दिया. सेकंड हमने वॉवेल्स लिखना स्टार्ट किया ए ई आई ओ यू को, उसमें हम उसको हमने क्या किया पूरी कॉपी में कंटिन्यूअसली लिखा ताकि हमें याद हो जाए. उसके बाद हम थर्ड पेज में क्या करेंगे, कॉन्सोनेंट लिखेंगे. कॉन्सोनेंट ऐसे ही लिख देंगे. ये बस इतना ही. इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे आपका चैप्टर 3 जो कि वॉवेल ए के बारे में सिर्फ हम लोग पढ़ेंगे फिर. ओके, थैंक यू.